आप भोजपुरी में एक सवाल तो बिल्कुल हटाई दीजिएगा अब कि भोजपुरी में अश्लीलता, ये तो बहुत पुराना सवाल है। भोजपुरी फिल्मों में कहीं दूर दूर तक अश्लीलता नहीं। नो इफ नो बट ओनली। सबसे पहले आपके चैनल के सभी दिलतुल दर्शकों को फिल्म अभिनेता सीपी भट्ट का प्रणाम नमस्कार। फिल्म में आज मेरा पहला दिन है और बहुत अच्छी फिल्म बन रही है और इसके निर्देशक हैं सुनील त्रिपाठी जी हैं, इनके साथ मेरा पहला अनुभव है लेकिन इनसे परिचित रहे हैं। और इसके निर्मात्री हैं परी सिंघानिया जी उस, और अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकार इसमें काम कर रहे हैं। और नायक इसके हैं रियांश सिंघानिया जी, प्रमोद प्रेमी जी हैं और पूनम दुबे जी हैं, शालू जी हैं और उमेश सिंह जी हैं और आपका छोटा भाई नो इफ नो बट ओनली सीपी भट्ट। इस फिल्म में फिर हम विलन के रूप में आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल फाड़ू एकदम पूरा बवाल है। आपने जैसे और फिल्म में देखिए उस तरह उससे भी बेहतर है। प्रमोद जी के साथ एज ए विलन मेरी दूसरी फिल्म है, इसके पहले UP 64 बन चुकी है जो रिलीज पे है और ये दूसरी फिल्म है एज ए विलन। तो कुछ और इसमें जो मेरा गेटअप है वो भी बिल्कुल अलग है, अभी बहुत ज़्यादा कुछ हम बताएंगे नहीं लेकिन गेटअप से भी बिल्कुल अलग है। उसका जो तरीका है, उसका एटीट्यूड है वो भी अलग है और एक हिस्टोरिकल भी टच है फिल्म का, कॉमर्शियल भी है और स्टोरी मतलब बहुत यूनिक स्टोरी है, आप लोगों को पसंद आएगी। और परी सिंघानिया जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और सुनील त्रिपाठी जी को भी कि आपने मुझे इस योग्य समझा, इस कैरेक्टर की योग्य समझा और एक अच्छे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया। और रियांश बाबू को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, इसके पहले भी फिल्म कर चुके हैं लेकिन ये फिल्म बहुत अच्छे स्तर से बन रही है, उनकी एक तरीके से लॉन्चिंग है। ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप तरक्की करें, आगे बढ़ें और बस भोजपुरी का नाम ऊंचा करें। पूरी टीम को सबसे पहले बधाई देंगे कि पानी पीते रहें भाई, जम के धूप है और थोड़ा धूप से बच के रहिए और क्योंकि शूटिंग बहुत बाकी है, शूटिंग करना है और सभी लोग एक टीम वर्क का काम है। हम लोग के लिए धूप ठंडी बारिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, काम काम का जो भूख होती है ना उसके आगे सारे आग पानी तूफान सब खत्म हो जाता है। तो क्योंकि उसी काम के लिए आदमी हज़ारों किलोमीटर दूर जाता है तो सभी लोग एक टीम वर्क का परिचायक हैं, इस बात को प्रस्तुत करें, परी जी को सपोर्ट करें क्योंकि एक अच्छे निर्मात्री के रूप में उभर रही हैं और पहले भी बहुत अच्छी अभिनेत्री रह चुकी हैं, आज भी अभिनेत्री हैं। और इनके साथ एक फिल्म और किया था बलम रसिया मैंने किया था और सबसे बड़ी बात है हमारे होम टाउन की गोरखपुर की है CM City। और तो सभी लोग काम कर रहे हैं और टीम के जो भी टेक्नीशियन हैं, चाहे वो कैमरा से हो, चाहे वो लाइट से हो, चाहे क्रेन से हो, चाहे स्पॉट दादा हो, चाहे प्रोडक्शन में जो भी हो, चाहे मेकअप मैन हो, सबको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलजुल के काम कीजिए, फिल्म बहुत अच्छी बन रही है और भोजपुरी का आयाम बहुत ऊंचा जा रहा है, किसी को कहने दीजिए भोजपुरी अपने चरम की तरफ बढ़ रही है और अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं।